सर्वे पौचामि समये पावन ब्रह्मोस्मि केवली परिणम। आचार्य देव ने शिष्य को यह समझाया कि शरीर और आत्मा एकदम अलग अलग है, इन दोनों का आपस में एकता नहीं है, ये दोनों पृथक पृथक वस्तु है। और जो उसको अपना मानता है कोई अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। तो शिष्य ने तत्काल प्रश्न किया कि आप कहते हो कि देह और आत्मा अलग अलग है, परंतु शास्त्रों में स्तुतियों में जो तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति है वो देह के आधार से है, तो क्या वो स्तुति झूठी है? इसलिए तुम तो यही कहना मान लो कि देह और आत्मा ये दोनों एक ही है। आचार्य देव ने कहा कि तुम अभी नए विभाग को नहीं जानते, वो जो स्थिति वो व्यवहार ने से कही है और उसकी भी अपनी एक उपयोगिता है, इसलिए वो कही है, लेकिन वास्तव में वो दोनों एक नहीं है। स्त्री को अपनी कहने का इतनी प्रयोजन है कि लोक व्यवहार चले, लेकिन बस लोक व्यवहार चल गया, अच्छा हो गया, अब वो जो उसकी मान्यता है उस मान्यता को बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो मिथ्या दृष्टि रहोगे। जिसका जितना उपयोग है उसका उतना ही उपयोग करो, ज़्यादा आगे घुसने दोगे, ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो उससे तकलीफ ही होगी। क्या इनकी उपयोगिता इतनी है, सदाचार के लिए इनकी उपयोगिता है, इन नयों के इसलिए इनको स्थान मिला है। जिन्होंने जब अपने जीवन में सदाचार हो गया तो अब इनकी जो मान्यता है उस मान्यता को छोड़, कोई दिक्कत नहीं, अपना लोग व्यवहार कुशल हो गए अपन। अब ये जो इस नए की मान्यता है वो मान्यता क्या है? छोड़ने लायक मान्यता, छोड़ने लायक है, और कथन जो है उस नए के अनुसार होगा, वाणी व्यवहार नए की होगी और मान्यता निश्चय नए के अनुसार होगी। और हम तुम्हारे को यहाँ भी क्या सिखा रहे हैं, यहाँ बोलना चलना सिखा रहे हैं यहाँ पर, तुम्हारी मान्यता बदलने के लिए कह रहे हैं। यह जो चल रही है बात मान्यता की चल रही है, पर वास्तव में बात क्या है? यहाँ तुम्हें सच्ची बात का दिग्दर्शन कराया जा रहा है, या लोक में क्या बोलना कैसे बोलना उसकी बात है ही। सच्ची बात क्या है, वस्तु तत्व वास्तविक स्थिति क्या है, उसका दर्शन कराया जा रहा है। तुम वास्तविक स्थिति में ये ले आए साहब, इनको अपना क्यों कहा, क्यों कहा भैया? व्यवहार से कहा है ना। क्या जब हम बताएंगे कि हमारे कितने भाई हैं, हमारे पिताजी के चार भाई हैं सब, उस दिन आप कह रहे थे वो चाचा जी हमारे, वो व्यवहार से कह रहे थे। वास्तविक बात तेरे को आज बता रहे हैं ताकि तेरे अंदर में यदि कभी कोई भ्रम भी हो तो वो समाप्त हो जाए। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने पर ये जो परम एकत्व की बुद्धि है वो नष्ट हो जाए। तो कल अपन ने उच्चरित असद्भूत नहीं की उपयोगिता समझी थी, आज अपने को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की थोड़ी चर्चा करनी है। अनुपचरित माने जिससे औपचारिकता न निभानी पड़े, और असद्भूत माने जो भिन्न वस्तुओं में अभिन्नता का व्यवहार कराए अथवा जो वास्तविक नहीं है। ऐसा जो न है उसका नाम क्या है? व्यवहार न, माने जो न ये कहता है कि देह और आत्मा एक है, वो नए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में है। अनुपचरित इसलिए देह क्योंकि देह से कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती, एक क्षेत्र होगा संबंध है, जन्म से मरण तक साथ रहता है, इसलिए इसको अनुपचरित के खाते में लिया। लेकिन है असद्भूत क्योंकि वो भिन्न वस्तु है और आत्मा भिन्न वस्तु है, माने वो दोनों एक है नहीं, इसलिए तो असद्भूत। और व्यवहार से ऐसा कहा जाता है इसको व्यवहार नहीं है, कहने के लिए है, मानने के लिए नहीं। क्या कहता है व्यवहार ने? व्यवहार से कहा जाता है कि शरीर और आत्मा एक है। कौन से व्यवहार से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने
शरीर और आत्मा को एक कहता है। ये बात बिल्कुल सच्ची नहीं, फिर भी एक क्यों कहता है, इसे क्या उपयोग होता है? नहीं कहे इस नए को स्थान क्यों दिया जिनवाणी, ये इस नए को स्थान नहीं देते तो सारा हिंसा हिंसा का व्यवहार ही खत्म हो जाता। क्या यदि शरीर और आत्मा को मिलाकर क्या जो जीव कहने की पद्धति है यदि वो पद्धति समाप्त कर दे, हम तो कहें बच्चों शुद्ध आत्मा है वही जीव है, बाकी ये जीव नहीं है क्योंकि इसमें तो शरीर भी मिला हुआ है, तो अभी हमें जीव समझाना ही मुश्किल हो जाएगा बच्चों। बच्चा पाठशाला में आया, मैंने कहा पिताजी जीव किसे कहते हैं, मार साहब जीव किसे कहते हैं, बेटा ये हाथी है ये जीव है, चींटी है ये जीव है, तुम जीव हो, ये टेबल अजीव है जिसमें ज्ञान नहीं है वो जीव है, जिसमें ज्ञान है वो जीव, उसे ही बताता ना हाथी वगैरह का उदाहरण देकर। अब आप उसको बताओ यदि ये नए ना हो और आप उसको समझाओ कि जीव किसे कहते हैं, आपको तो शरीर से रहित जीव बताना है तो बता सकते हो उसको क्या? यदि आप उसको कुछ उदाहरण नहीं दिखाओ तो उसको जीव का समझ नहीं उत्पन्न होगी जीव किसे कहते हैं। हम उदाहरण इसी प्रकार से देते हैं जिससे उसको बच्चे को समझ में आए कि ये जितने पंच इंद्रिय जीव है हाथी घोड़ा बैल जीव है, अब वास्तव में उसमें दो में एकता करके अपन ने जीव कहा है। जीव कोई हाथी का शरीर नहीं है, जीव कोई घोड़े का शरीर नहीं है, जीव कोई मनुष्य का शरीर नहीं है, तो भी मनुष्य को जीव इसलिए कहा जाता है ताकि उसको अन्य जो अचेतन पदार्थ है टेबल कुर्सी वगैरह उससे वो इस जीव को पृथक समझ सके, नहीं समझ पाएगा तो उसको अभी जीव और अजीव दो तत्व तो ये समझ में नहीं आएगा। बच्चे को जीव की पहचान कराने के लिए शरीर सहित आत्मा को ही जीव कहना पड़ेगा। यदि हम कहने लग जाए सिद्ध भगवान है वो जीव है, वो तो दिखते तो है या है भी नहीं, हम उसे जीव का परिचय कैसे कराएंगे? सिद्धों से जीव का परिचय कराया नहीं जा सकता, सिद्ध भगवान तो ऊपर विराजमान वो जीव है, तो जीव दिखते कहाँ? जो दिखाई देते हैं उनसे परिचय कराया जाता है। दूसरी बात कि ये सारा व्यवहार जो है अपना अहिंसा का व्यवहार वो सब इसी नहीं के आधार पर तो है, नहीं तो आप तो कल से जो है जैसे आप राख मसलते हो, राख मसलते हो चीटी मसलती तो क्या करा तुमने, जीव हिंसा कर दी, मैंने तो शरीर मसला है जीव तो अजर अमर है क्या, और चलने दो काम, तो कहते हैं ये तो महापापी कहलाएगा, उसको बन जाएंगे महापाप किया तूने, अरे वो भस्म अलग है और ये चींटी अलग है, वो भस्म अजीव है और ये चींटी जीव है, तो किस नए से कहा तुमने, किसी नए से कहा नहीं कहा, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे को तुम्हारे लिए कही थी वो बात कि शरीर और आत्मा एक, तुम्हारे भेद विज्ञान करने के लिए, किसी के शरीर को मसलने के लिए बात नहीं थी, और तुमने कहा लगाई शरीर को मसलने में, क्या किसी को भी किसी जीव को भी देह का घात करते हैं तो वो देह का घात होने पे उस जीव को पीड़ा होती है, उसकी आत्मा दुखी होती है क्योंकि उसका एक चेतना का संबंध है, नहीं तो तुम कल से जैसे ये अजीब है टेबल चौकी ऐसे ही शरीर भी चूंकि अजीब ही है और उसको मसलो और कहो उसमें क्या दोष है, तो दोष है किस नए से दोष है कि इस व्यवहार नए से दोष है क्योंकि तुमने जीव को मसला है, शरीर नहीं मसला है, इसको मसला है जीव को, क्योंकि हम उस शरीर सहित जीव को जीव कहते हैं, समझा ना, सारा अपना हिंसा हिंसा अहिंसा का सारा व्यवहार एक झटके में खत्म हो जाएगा किसी भी प्रकार इसको स्थान नहीं देंगे तो हमने इसको स्थान दिया हुआ। मनुष्य की पहचान जीव की पहचान करानी तो अपन व्यवहार से ही तो पहचान कराते हैं, एक इंद्रिय जीव दो इंद्रिय जीव तीन इंद्रिय जीव चार इंद्रिय जीव पंच इंद्रिय जीव, निश्चय से देखा जाए जीव की इंद्रिय होती है, जीव पंच इंद्रिय है, जीव तो अतिंद्रिय है, जीव की इंद्रिय नहीं, सिद्ध भगवान कितनी इंद्रिय, कोई इंद्रिय अतिंद्रिय, जीव
तो वास्तविक स्वरूप तो अतीन्द्रिय है। इंद्रियों से परे अतीत है, लेकिन जिसे उस अतीन्द्रिय जीव का स्वरूप ज्ञात नहीं है, जिसे जीव का स्वरूप भी ज्ञात नहीं है, उसे यदि हम कहें जीव का अतीन्द्रिय है अतीन्द्रिय है, तो ऐसे उसको जीव का स्वरूप कुछ भी ख्याल नहीं है। इसलिए इंद्रिय के द्वारा अतीन्द्रिय जीव की पहचान कराई जाती है। एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, जीव भले ही उसमें इंद्रिय वाला नहीं है, लेकिन वो जो जीव है वो इंद्रिय वाले शरीर में रहता है, इसलिए उस जीव को भी क्या कहते हैं, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव थी, मतलब पहचान इंद्रियों के द्वारा करा रहे हैं। समझना क्या है, इंद्रियां वो जीव नहीं है, यदि इंद्रियों से पहचान नहीं कराए तो जीव को पहचानना ही मुश्किल हो जाए, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगी, जीव को पाँच इंद्रियाँ होती है, दो वन पंच इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, तीन इंद्रिय, ऐसे ही समझाएंगे। समझाना करने के लिए सब व्यवहार की उपयोगिता है, ये तो मुश्किल हो जाएगा, समझाने के लिए भी है और अहिंसात्मक आचरण के लिए भी है। और ये अहिंसात्मक आचरण कोई सामान्य चीज नहीं है, दुनिया में ऐसी अनेक मान्यता है, ऐसे अनेक मत है जो इन त्रियंशों को जीव मानने को तैयार नहीं, इनमें क्या इनकी रक्षा की कोई बात ही नहीं। मैं एक बार बोस्टन के अंदर प्रवचन करने गया था, वहाँ क्या होता था, प्रवचन होता था हिंदी में, और एक जूस महिला आती थी उसको अंग्रेजी समझ में आती थी, हिंदी कुछ नहीं, तो उसके लिए लोग एक आदमी था वो ट्रांसलेट करता था, ट्रांसलेट करने में टाइम लगता था। अब वो क्या हुआ, एक बार कोई अपन ने बात कही, सब लोग हंसे, चुपचाप बैठी थी, और वो पाँच मिनट बाद हंसी, मैं बड़ा चक्कर में आ गया, मैंने कहा इसी अपन ने क्या बात कही, कुछ गड़बड़ हो गई क्या हो गया। तो मैंने रोक के मैंने कहा ये क्यों हंस रही भाई, शी इज लाफिंग। तो फिर उसने खुद नहीं बोला आपने बात कही थी इस पर, तो मैंने कहा तो बहुत देर पहले कही थी, तो तुम्हारी ट्यूबलाइट कही, मैंने मन में कहा इतनी धीरे ट्यूबलाइट चलती है। तो फिर समझ में आया, बोले ये जो है जो आपने कही थी उसका ट्रांसलेशन किया था, वो उसकी स्क्रीन पे बहुत लेट आया, उसे पड़ोसी ने जब बताया समझाया करा सब, तब तक उसको देर हुई, अब उसको समझ में आई। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये भाई इतना होने के बाद भी समझने के लिए बैठी है, भाषा समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। तो प्रवचन खत्म हुआ, मैंने उससे बात करी, बात मैंने कहा यहाँ कदम कैसे पड़ गए आपके, भाई तुम्हारा हमारे तो वहाँ हमारे जेनी भाई नहीं आते, तुम कहाँ किस देश में हुई क्या तुम्हारे कोई संबंध, यहाँ कैसे आ गए। तो उसने पूरी कहानी बताई कि मेरा यहाँ आना कैसे हुआ। तो उसने कहा कि मैं एक बार जो रास्ते में जा रही थी, इस मंदिर के सामने से निकल रही थी, तो एक बच्चे ने मेरे को टोक दिया, ए नीचे देख के चलो, जीव चल रहा है। तो मैंने नीचे देखा क्या चल रहा है, देखा चींटियाँ चल रही थी। मैंने उससे कहा ये चीटियां चल रही है, जीव का चल रहे हैं, वेयर इज द सोल, वेयर इज द लिविंग बीइंग। तो उसने कहा कि ये जीव है, ये चीटी जीव है। तो बोले मैंने आज तक कभी बात सुनी नहीं कि चीटियों की भी दया पालनी है क्या, कोई बच्चा टोक रहा है, फिर बच्चा कह रहा है कि ये जीव है और इसकी रक्षा करना। तो बोले मैंने उस बच्चे से पूछा तेरे को किसने बताया कि ये जीव है और इसकी रक्षा करना, तो बोला मेरे को मेरी पाठशाला के टीचर ने मिला है। तो बोले उस टीचर के पास मेरे को मिला दे, तो उन्होंने टीचर से मिलाया और टीचर ने उसको बताया कि हम यहाँ ऐसा चीज़ पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ तो एक इंद्रिय की भी रक्षा का उद्देश्य है, दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय हम हिंसा नहीं करते। तो बोले मेरे को पहली बार पता चला कि ऐसा भी कोई दुनिया में धर्म है जो एक इंद्रिय तक की भी जीव की भी अहिंसा की बात कहता हो। मेरे को थोड़ी श्रद्धा जगी, मैं आने लगी धीरे धीरे, आते आते मेरे को इसी पे हो गई श्रद्धा और मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। बोले मेरा तो कुत्ता भी था, मैंने कुत्ता भी छोड़ दिया, उसने कुत्ता था प्यारा था, उसका धर्म वर्म छोड़ दिया, परिवार तो उसने बाद में नाम लिया कि परिवार वरिवार से भी, पहले कुत्ते को बोला उसने कि मैंने कुत्ता छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए कुत्ते का त्याग करना बहुत बड़ा त्याग हुआ उसका।
तो मेरे मन में सोचा, मैंने बाहर के लोगों को भी कहा, मैंने कहा देखो जिस व्यवहार ने कि अपन कहते हैं ये है वो, इसकी क्या उपयोगिता है, ये इससे जेल बनी है भाई क्या? ये भाई जो है ये दया के संस्कार बात कही ना इसको, ये जीव है, यदि अपन हटा दो इसको, ये जीव नहीं है, जीव नहीं है, नहीं ये भाई समझती ऐसे कि ये भी जीव है और ये रक्षा करनी चाहिए, ये तो उसी नए से ही, क्योंकि उसको तो इतनी प्रतीति हुई अरे ये भी जीव, क्योंकि वो तो ऐसे ही लोग हैं कि उनके हिसाब से तो जो है ये त्रियंच जो है ये तो आदमी के भोग के लिए है, उनकी ऐसी मान्यता धारणा है, ये त्रियंच जो है वो भगवान ने आदमी के लिए बनाया है और आदमी के भोग के लिए बनाया, आदमी के खाने के लिए ही बनाया है। मैंने कहा आज तो यही कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी भी गोरी चमड़ियों के वालों के लिए खाने के लिए बनाया है, सेवा के लिए बनाया है, क्या करेगा कोई, इनकी मर्जी के कहने वाले जीवन इनकी। मैंने कहा ऐसा कहने से कोई सेवक हो गया तुम्हारे, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कह दो, ये चीटी भगवान ने बनाई है और काहे के लिए, मैंने खाने के लिए बनाई है, तो मैं भी कह दूंगा कि गोरी चमड़ी वालों को मेरे भगवान ने मेरे सेवा करने के लिए बनाया, तो मेरे कहने से वो बात सिद्ध हो जाती है क्या, कहने से क्या मतलब, इसलिए इसकी उपयोगिता तो है, बहुत उपयोगिता, इसलिए इसको स्थान मिला है, इतनी उपयोगिता है तो फिर इसको इसकी मान्यता को छोड़ना क्यों, भाई उपयोगिता इतनी है कि इससे सदाचार जीवन में आए, बाकी ये जो कहता है वो मान्यता रखने लायक नहीं है, वो मानना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको मानने से मिथ्या होता है। अभी कितना माने और कितना छोड़े ये बहुत चक्कर का काम। मैंने कहा चक्कर कुछ नहीं है, तुम अपने लौकिक के अंदर तो सब काम करते हो क्या, अपन ने किसी को साफ करने के लिए बुलाया बाथरूम में, तो कहाँ तक उसको प्रवेश देते हो, कब तक उसको घर में कब तक रखना, जब तक उसकी सफाई नहीं हो जाए, सफाई होने के बाद क्या करना उसको, रखे रहने दो घर में, अब आया नहीं, सफाई हुई और चलता कर दो, अपने कपड़ा धोना है कपड़ा धोते हैं अपन, कपड़ा काय से धुलता है क्यों कांति भाई, कपड़ा साबुन से धुलता है, कपड़े पे साबुन लगा दिए धुल गया, वो साबुन लगाने से कपड़ा धुल गया, साबुन लगा ही पानी मत लगाना, क्या कहा अपने कपड़ा साबुन से धुलता है, साबुन तो लगाइए पानी मत लगा रहे, तुमने कहा पानी की बात नहीं की, साबुन से कपड़ा धुलता है तो साबुन लगा के रख दो, धुल गया वो पहन लोगे उसको कि नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, जिस साबुन को लगाया है उसी साबुन को हटाना पड़ेगा, कि अपन चक्कर में नहीं पड़ते, काहे के चक्कर में, जब जिस चीज को हटाना ही है तो उसको लगाने के चक्कर में ही क्यों पड़ते, ना लगाएंगे ना हटाना पड़ेगा, कि नहीं भैया कपड़ा धोना है तो साबुन लगानी भी पड़ेगी और लगा के धोनी भी पड़ेगी, लगाने की जरूरत इसलिए कि जो मेल है उसको निकालने के लिए उसको लगाने की जरूरत है, और कब तक लगाए रखने की जरूरत है, जब तक मेल दूर ना हो जाए, और जैसे ही मेल दूर हो गया तो अब जिस साबुन ने वो मेल दूर किया है उसी साबुन को भी हटाना पड़ेगा, तब वो कपड़ा साफ होएगा। ऐसे व्यवहार में अपने जीवन में सदाचार, जो अपने जीवन में सदाचार नहीं था, जो मेल था अपने जीवन में, जो खोटा आचरण था, अन्याय अनिति और अवक्ष भक्षण, इस मेल को उसने धोया क्या, और उसने न्याय नीति और सदाचार अपने जीवन में ले आया। अब क्या करना है, भैया जिसने इतना अच्छा काम किया, जिस साबुन ने इतना अच्छा कपड़ा धोया है, तो उस साबुन को क्यों हटाओ, हटाओगे नहीं तो पहनने लायक नहीं रहोगे। ऐसे ही जिस व्यवहार ने अपने जीवन में सदाचार लाया, न्याय नीति लाई, तो रख लो उसको, भैया सदाचार न्याय नीति ने तो केवल तेरे को पात्र बनाया है क्या, वस्तुतः तो धर्म उससे बहुत आगे है। अब जिस व्यवहार ने तेरे जीवन में सदाचार लाया है उस सदाचार को तो रख लेना, सदाचार को छोड़ने की नहीं कह रहे, सदाचार और न्याय नीति को तो रखना, लेकिन जो उस नए की मान्यता है उसको बिल्कुल निर्दयता से अलग कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब साबुन को, साबुन ने मेल अलग कर दिया, अब उस साबुन को भी अलग कर दोगे
तो कोई दिक्कत नहीं, यही पद्धति है। यदि नहीं करोगे तो भी पहनने लायक नहीं रहेगा। ऐसे यदि हम व्यवहार नहीं की मान्यता को अपने चित्त में रखे रखेंगे, देह आत्मा को एक मानेंगे, तो सम्यक होगा नहीं। और उसको सीधे ही दर्जे से हम उसको खड़ा भी नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में सदाचार नहीं आएगा। इसलिए उसकी उपयोगिता केवल अपने जीवन के सदाचार अहिंसात्मक आचरण जितनी है उतना अपने जीवन में आ जाए तो उसको तो रख लेना, और बाकी उसकी मान्यता को व्यवहार में की मान्यता को छोड़ देना। कौन सी मान्यता को? देह और आत्मा एक है, इसको छोड़ देना, क्योंकि वास्तव में देह और आत्मा एक नहीं। ये पद्धति है इसकी पूरी व्यवहार में। अपने को नाव में नर्मदा पार करनी हो तो क्या करेंगे? नाव में बैठे हुए क्या करें? बैठ गए, नाव कितनी अच्छी है, नर्मदा किनारे लगाया, बैठे रहो इसे, तो बैठे रहोगे तो उधर जाओगे? साहब जिस नाव ने इतना अच्छा अपने को पार लगाया उसको मैं कैसे छोड़ दूं? कि बेटा नहीं छोड़ेगा तो भी तू पार नहीं लगेगा। तो कोई ये कहे कि जब छोड़नी है नाव को तुम्हें बैठू ही क्यों, तो तू इधर ही रहेगा। नाव में बैठना भी पड़ेगा, बैठना पड़ेगा इधर और उतरना पड़ेगा उधर। बैठोगे नहीं तो गाड़ी चालू ही नहीं होगी, और बैठ के उतरोगे नहीं तो गाड़ी बीच में पड़ी रहेगी क्या? इसलिए बहुत अपने को आवश्यकता है इसकी, कहाँ किसको ग्रहण करना और कहाँ किसको छोड़ना। सीढ़ी से चढ़ के आए, न्यू सीढ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन यदि उस सीढ़ी को छोड़ोगे नहीं तो ऊपर नहीं आओगे हम, क्योंकि सीढ़ी ने तो हमको ऊपर चढ़ाया, तो इसी को यहीं खड़े रहेंगे, खड़े रहोगे क्यों? जिस गाड़ी ने अपने को यहाँ लेके आया उस गाड़ी को आपने छोड़ी कि नहीं छोड़ी? यहाँ ऊपर लेके आ गए, चरण पादुका की जरूरत कितनी कहाँ तक है? बाहर तक। कोई कह नहीं बहुत अच्छी है तो यहाँ तक बिचारी ने अपने को लेके आई, अब यहीं भी ले आओ, यहीं ले आओ ना फिर। तो ये लोक में तो बहुत चतुर आदमी, यहाँ धर्म के अंदर गिर, अरे इसकी जरूरत है कहाँ तक है वहाँ तक ले आओ, उसके आगे उसकी जरूरत नहीं है छोड़ दो। अब देखो अगला नहीं कौन सा है, तो दो हो गए कौन से? उपचरित सद्भु व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भु व्यवहार। अब सद्भु व्यवहार नहीं की थोड़ी बात करते हैं। सद्भु व्यवहार भी दो प्रकार के, सद्भु का काम क्या बताया था पहले तो बताओ। सद्भु व्यवहार नहीं किसे कहते हैं? जो अभेद में भेद डाले वो सद्भूत है, क्या करे? अभेद में भेद डाले। अब ये दो प्रकार के कैसे हैं? जो विभाव को आत्मा का कहे, आत्मा में तो विभाव स्वभाव सब अभेद रूप से है अभी संसार अवस्था, लेकिन जो आत्मा के विभाव ही भाव को मैंने आत्मा में भेद डालकर विभाव को कहे कि ये आत्मा का है, तो जो विभाव को आत्मा का कहे वो कौन सा व्यवहार है? सद्भूत। सद्भूत में भी कौन सा? उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। क्या नाम है उसका? उपचरित सद्भूत व्यवहार। जो नए रागादि भाव को आत्मा का कहता है वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नए है। सद्भूत इसलिए है क्योंकि वो आत्मा में है, वो ऐसे नहीं है जैसा शरीर है। शरीर तो अपन मर गया, जला दिया उसको, आत्मा लगा चला गया, लेकिन रागादि भाव तो जीव के साथ निरंतर चला करते हैं ना। रागादि भाव को ऐसे अलग नहीं कर सकते जैसा शरीर अलग हो जाता है। क्या राग जीव की पर्याय में है? शरीर जीव की पर्याय में नहीं, शरीर जीव से पृथक है, शरीर तो अलग ही अलग है, उद्गत द्रव्य उसका स्वामी, लेकिन रागादि भाव तो जीव में ही होते ना, जीव की पर्याय में, इसलिए उसको सद्भूत में लिया। सद्भूत में लिया लेकिन कौन से सद्भूत में? उपचरित। वो उपचरित इसलिए क्योंकि वो विभाव है, स्वभाव नहीं है, दूर के हैं। सही बात पूछो तो जीव का इससे कोई हित नहीं हुआ है, जीव का हित ही हुआ है। जीव की पर्याय में होने पर भी जीव का हित करने वाले हैं, इसलिए हमने कहा कि ये तो हमारे औपचारिक रूप से संबंधी है, हमारा हित करने वाले नहीं है। औपचारिकता वाले जो जीव हैं
वो दूर के होते हैं, दूर का है, अपना वास्तविक संबंध इससे नहीं, स्वभाव नहीं विभाव में। जब स्वभाव है ही नहीं तो इसको अपना कहा ही क्यों, इसकी भी उपयोगिता क्या है, क्या है इसकी उपयोगिता, पहले अपन इसकी उपयोगिता का विचार करते हैं, इसकी उपयोगिता है कि नहीं। रागादि भाव को आत्मा का कहना इसकी उपयोगिता है, कहीं नहीं अपन की राग तो आत्मा में होता ही नहीं, यदि ऐसा कहें तो क्या दिक्कत आई। यदि इस नए को किसी प्रकार से स्वीकार ही नहीं किया जाए तो क्या परेशानी खड़ी होती है, ये परेशानी खड़ी हो जाएगी यदि राग है ही नहीं तो उसके नाश का उपाय भी क्यों करना, फिर यहाँ पर बैठे ही क्यों, घर चले आराम से, अपने तो राग है ही नहीं। जीव तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव ही है, यदि सर्वथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव ही माना जाए और इस नए को किसी प्रकार से स्वीकार ही नहीं किया जाए तो फिर हमारा जो मोक्ष मार्ग के जो भी पुरुषार्थ है ये सब निरर्थक सिद्ध होगा। चार गति में जीव भोग रहा है, 84 लाख योनि में दुख भोग रहा है, है? तो जीव को कर्म बंद होता है, कर्म का उदय होता है, कर्म को उदय में मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य आयु अपने को वो थोड़े समय के लिए मिली है, मनुष्य आयु कर्म के उदय से मिली है, मनुष्य आयु के उदय से, ये सब बातें नहीं बनेगी, क्योंकि कर्म तो बंधेगा जब राग द्वेष होंगे, राग ही द्वेष नहीं है तो कर्म कौन बांधे, और कर्म जीव बांधे ही नहीं तो कर्म, जब जीव ने कर्म बांधा ही नहीं तो जीव उसके कर्म का फल भी क्यों भुगते, जबकि फल भुगतता हुआ तो साक्षात दिख रहा है, तो इसको नकार कैसे दे, इसलिए इसको स्वीकार तो करना पड़ेगा क्या, क्योंकि यदि ये विभाव की जिम्मेदारी अपन नहीं लेंगे तो उसके नाश की जिम्मेदारी भी अपनी नहीं रहेगी, जो चीज है ही नहीं तो उसका नाश किसका करे, और इतना ही नहीं बल्कि ये नहीं तो कहता है तेरे अपराध से हुए हैं, क्योंकि यदि ये कर्म के ऊपर डाल देंगे कर्म से हुए हैं तेरे से कुछ नहीं हुए, तो फिर कर्म की पूजा करो, हे ज्ञानावरणी तू कब नाश होएगा, मोनी तू कब अलग हमको रास्ता देगा, पूजा करो कर्म की और अपन तो आराम से बैठो घर में, कर्म नहीं हमको भैया क्या करें, नींद क्यों आ रही तुमको प्रवचन में, क्या करें साहब निद्रा निद्रा का उदय है, नींद आ रही है, तो नोट गिनते गिनते भी निद्रा निद्रा का उदय नहीं आता, खाते खाते भी आता है निद्रा निद्रा का उदय, कर्म के ऊपर डाल रहे हो और आप निर्दोष बना रहना चाहता है, दोष है स्वयं का, रुचि की कमी है, सीधी सी बात है, क्या रुचि की कमी है, और सब काम में मन लगता है इसमें नहीं लगता है, इसमें नींद आती है, इसका मतलब तेरे को इसकी रुचि नहीं है, तो कर्म के ऊपर मत डाल, अपना अपराध स्वीकार करो और उस अपराध को दूर करो, जो अपराध ही स्वीकार नहीं करेगा उसका कभी दूर नहीं हो सकता है, गलती होना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि गलती को स्वीकार नहीं करना बड़ा अपराध है। क्या इसलिए पहले अपना अपराध माने, अभी राग है वो उतना बुरा नहीं है, लेकिन राग को जो अपना अपराध ना माने बल्कि उस राग के ही राग करे, क्या करे, राग का राग करे, राग को अपना स्वभाव मान ले तो वो भयंकर अपराधी है। इसलिए पहले तो कहा कि नहीं भैया ये तेरे में हुए भले लेकिन तेरा अपराध है, अपराध की जानकारी तो है तो अपराध को मिटाने का उपाय करेगा, हमें अपराध की जानकारी नहीं होगी तो मिटाएगा। देखो दुनिया में लोगों की गलती, जैसे कई लोग ये करते हैं वो करते हैं, तो मेरे से इनको ये इनको ये मैंने कहा देखो आदमी को पहले अपराध बोध कराओ, ये हमारा अपराध है, बिना उसके दोष बताए और बिना उसके उसके त्याग से गुण होने वाले वो बताए, वो व्यक्ति उस वस्तु का भला त्याग क्यों करेगा, जबरदस्ती पहले उसको बताओ कि इसके त्याग से क्या गुण होने वाले हैं और उस वस्तु के दोष बताओ, जब दोष बताओगे तो उसकी रुचि उसका अपने आप टूट जाएगी, छूट जाएगी वो वस्तु, और तुम जबरदस्ती उससे कहोगे ये छोड़ ये छोड़ ये छोड़, छुड़ाने से नहीं छूटती है, वस्तु के दोष का ज्ञान होने से छूटती है।
और दोष का ज्ञान होना ये उस वस्तु को छोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जिसको दोषों का ज्ञान नहीं होगा वो तो छोड़ भी देगा तो कभी फिर ग्रहण कर लेगा। बच्चों को अपन बचपन में जब अपने पास रहते हैं उन्हें ए अपन जेनी है अपने रात को नहीं खाना चाहिए, सीख लिया उसने, लेकिन हमने उसको कभी दोष नहीं बताया कि इसमें दोष क्या है। तो आगे चल के क्या होगा, संगति बदलेगी, दोस्तों के साथ रहेगा, दोस्त कह रहे तेरे मम्मी पापा तेरे यूँ ही कहते थे, चालू हो जाएगा। तो हमें बच्चों को दोषों का ज्ञान कराना पड़ेगा कि इसमें दोष क्या है और गुण क्या है इसके अंदर, वो ज्ञान कराना होगा, तब तो सच्चा त्याग होता है। और बिना ऐसे ही जो है मार मार के किसी को बनाना है तो कुछ नहीं होने वाला। उससे 10 दिन करेगा त्याग भग जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि पहले ये ज्ञान करो, क्या करो, हमारे एक कहावत है पूनम का हुआ पारना ए हाँ पूनम का हुआ वो पारना और मंदिर का छूटा बारना। कई ऐसे लोग हैं जिनके दर्शन होते हैं अपने आप ही भादों में, अब उनके अगले ही भादों में दर्शन होंगे, कई लोग आए दर्शन होंगे जुलूस में, फिर उसके बाद में क्षमावाणी में, और कभी भोजन भोजन का आयोजन है तो उसमें तो सबके ही दर्शन हो जाते हैं। ये माल किसको खाने की इच्छा है, जिससे पेट खराब हो उसकी इच्छा है। तो क्या बात कर रहे थे अपन कि ये अपना अपराध है, पहले इसको स्वीकार करेंगे तो अपन उसको दोष को दूर करेंगे। यदि हम उसको अपराध ही स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके नाश का भी उपाय वाला क्यों करेंगे। पहले उसको खड़ा करेंगे कि हाँ ये चीज है, ये मेरा अपराध है, विभाव भाव है और इसका नाश करने योग्य है और इससे मैं संसार में घूम रहा हूँ, और उसको स्वीकार करेंगे तो फिर उसकी बात करेंगे कि हाँ इसके नाश का उपाय क्या है। और न केवल विभाव बल्कि उसको दुखरूप जाने कि ये रागादि भाव दुखरूप है, दुख के कारण है, आकुलता के कारण है, अपन ने सब बात की थी ना, तो वो उसको खड़ा करेंगे तो दुखरूप जानेगा, तो है ही नहीं तो फिर कौन दुखरूप है। भाई रागादि भाव होते हैं आत्मा में, होते हैं, लेकिन विभाव है, स्वभाव नहीं है, दुखरूप है, दुख के कारण है, कर्म के कारण। अब क्या है, इसलिए इसको स्वीकार करना जरूरी है। अब स्वीकार इतना ही है कि बस ये होते हैं विभाव रूप से, यदि अब उसको स्वभाव मान ले ये तो मेरा स्वभाव है तो भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव होता है उसका कभी नाश नहीं होता। कोई ये मान ले भाई ये जो बीमारी हुई है ये तो अपना नेचर है, शरीर का स्वभाव है। क्या डॉक्टर साहब खांसी तो अपना नेचर ही, खांसी तो होनी चाहिए ना, खांसी होती है तो घर वालों को सबको पता चल जाता है कि आ गए हैं दद्दा जी, सब लेडीज अटेंडी हो जाती है। तो ये नकली खांसी क्या करो, नकली क्यों खा रहे जब असली खांसी है हमारे पास, तो मरेगा तू और क्या होगा तेरा, क्योंकि तूने खांसी को बीमारी नहीं समझा है और उसको अच्छी समझ के तू रखना चाहता है तो इसका मतलब तेरी छुट्टी होने वाली है। ये समझ कि ये रोग है, ये शरीर का स्वाभाविक चीज नहीं है। क्या ये दर्द होता है ना, ये दर्द शरीर का असली रूप नहीं है, जरूर कुछ न कुछ बीमारी है, बीमारी है तो उसके नाश का उपाय करना जरूरी है। यदि तूने ये समझ लिया कि ये तो ऐसा होता ही होता होगा, जब 31 साल हो जाता होगा आदमी 50 साल में शरीर में दर्द होता ही होगा, दर्द काय का होता होगा, दर्द काय के लिए हो, और तू कह रहा कि नहीं ये तो हार्ट में दर्द, हृदय में मेरा दर्द होता ही होगा, तो एक दिन बैठे बैठे चले जाओगे। कई लोग होता भी है ऐसा, दर्द से दर्द हो रहा है तो ऐसे ही होता हो रहा हो गया, उसको गड़बड़ जाने की कुछ गड़बड़ हो रही मेरे अंदर में तो उसका उपचार करेगा, और गड़बड़ ही नहीं जानेगा उपचार क्यों करेगा। तो ये ऐसे विभाव है, स्वभाव नहीं है, आत्मा में होते हैं लेकिन ये आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। क्या ये आत्मा में रोग के रूप में है, ये निरोग अवस्था नहीं है। निरोग अवस्था तो वीतराग स्वभाव रूप रहना है, ज्ञानानंद रूप रहना है, और यदि वो ये वीतराग स्वभाव को नहीं जानेगा, मतलब उसको विभाव को विभाव नहीं जानेगा और उसी को स्वभाव मान लेगा, तो इसको अपने वीतराग स्वभाव का कभी बोध ही नहीं होएगा, ज्ञान ही नहीं होएगा असली चीज क्या है। कपड़े के मेल को ये समझ ले कि यही कपड़े का रंग है तो कभी कपड़ा साफ होने वाला नहीं है,
ऐसे जिसने आत्मा के मेल को रागादि भाव को आत्मा का स्वभाव समझ लिया है वो भी कभी उस विभाव के नाश करने का उपाय नहीं करेगा। इसलिए बताया कि अपनी चीज नहीं, अपने में होने पर भी अपनी नहीं होती अपने में। जैसे सेवाल काई पानी में होती है लेकिन काई पानी नहीं है, पानी का स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार के आत्मा में होते हैं लेकिन ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसलिए उसको नकारना, पहले उसको खड़ा किया और फिर उसी को क्या कर दिया, स्वभाव नहीं है, विभाव है, अभाव करने लायक है, अपना मूल स्वरूप नहीं है, नकार दिया उसको, ये मेरे स्वभाव में नहीं, स्वभाव में होता तो सिद्धों में भी पाया जाना चाहिए। स्वभाव तो उसी को कहते हैं जो सदा काल रहे, यदि रागादि भाव मेरे स्वभाव होते तो फिर सदा काल रहने चाहिए, इसका कभी नाश ही नहीं किया जा सकता। स्वभाव उसी को कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, जबकि ये नाश किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं कि चीनी ने नाश किया कि नहीं किया, ऐसे हैं जीव जिनकी हम पूजा करके आए हैं जिन्होंने उन विभाव भाव का नाश किया है, तो किसी ने नाश किया है इससे सिद्ध होता है कि इनका नाश किया जा सकता है, ये सदा काल रहने वाली चीज नहीं है, ये विभाव है स्वभाव नहीं है, क्या नष्ट हो जा सकते हैं, नष्ट जिन्होंने किए इसका मतलब नष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकते इसका मतलब ही क्या हुआ, जो चीज चली जाए वो अपनी नहीं। एक आदमी की पत्नी चली गई, अमेरिका की बात नहीं, यहाँ की नहीं है, यहाँ की तो बात है, तो उससे लोगों ने कहा तुम्हारी पत्नी ने तुमको छोड़ दिया, उसको जाओ मना के ले आओ, क्या तुम्हारी इतनी प्यारी पत्नी ये वो, तो उसने कहा कि वो मेरी थी कब, यदि मेरी होती तो जाती क्यों, कि जब वो मेरे साथ थी मैंने ही उसको मान रखा था, वो उस समय भी मेरी नहीं थी और जिसकी थी वो उसकी चली गई, मेरी चीज होती तो मेरे से अलग होती है, तो ऐसे यदि रागा निभाव मेरे होते तो क्या मुझसे अलग होते, कभी अलग नहीं होते, त्रिकाल बने रहते हैं, लेकिन वो त्रिकाल नहीं बने रहते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि वो वास्तव में जब मेरे साथ है, जब मेरे में उत्पन्न होते हैं तब भी वो मेरे नहीं है, समझ में आया ना, क्या है दुनिया में जब चीज अलग होती है तब तो सबको समझ में आता है, लेकिन जब साथ में तब समझ जाए कि मेरे नहीं है तो उसका खेल, शरीर और आत्मा मरने के बाद तो सबको समझ में आएगा, लेकिन जब ये शरीर साथ में तब समझ जाए कि शरीर मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है, इसे रागादि भाव अलग कब होंगे, जब अलग हो जाएंगे तब समझ लेंगे कि अलग हो जाएंगे, अलग है, अलग ही नहीं होंगे जब तक ये नहीं समझेगा कि अलग है, ये रागादि भाव मेरे नहीं है ये कब कहने की जरूरत है, जब अलग हो जाएंगे, जब जिस दिन राग मेरे अलग हो जाएंगे तब मैं कहना चालू कर दूंगा कि मेरे नहीं है, आज तो मेरी है ना, आज कहना पड़ेगा कि मेरे नहीं है, क्यों आज ये मानेगा कि मेरे नहीं है तो उनके अलग करने का उपाय करेगा, और आज ये कहेगा कि तो मेरे हैं तो उनके नाश का उपाय क्यों करेगा, मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे की कब जरूरत थी, जब अपना देश स्वतंत्र हो गया तब, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे की स्वतंत्रता के बाद आवश्यकता थी कि जब परतंत्र थे तब, परतंत्रता थी ना तब उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र हूं, अभी कहा स्वतंत्र हो, जब स्वतंत्र हो जाओगे तब कहना कि मैं स्वतंत्र हूं, नहीं ये स्वतंत्र हूं और स्वतंत्रता तो मेरा अधिकार है, मैं इस परतंत्रता में भी अपने को परतंत्र नहीं मानता, मैं क्या मानता हूँ स्वतंत्र मानता हूँ, और जिन्होंने नारा दिया कि मैं स्वतंत्र हूँ तो वो स्वतंत्र हो गए, और वो ये कहते रहते नहीं अभी तो परतंत्र तो यूं ही कहो तुम तो परतंत्र है, तो कभी स्वतंत्रता हासिल होने वाली नहीं थी, और स्वतंत्रता के बाद आप कोई कहे मैं स्वतंत्र हूँ तो कौन सुनने वाला है उसकी, ये दिख रही है सबको स्वतंत्र है, असली चीज का तो मूल्य तब है मतलब जब आप जिस दुनिया को दिख नहीं रहा हो, दुनिया के लिए देश परतंत्र है, और उस समय आप कहो कि नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है मैं तो स्वतंत्र हूँ और ये मैं लेके रहूंगा, तो आदमी स्वतंत्र जाएगा, क्या कच्चे चने को जिसने मीठा देखा मिठास उसको ही मिलने वाली है, पके चने को तो पूरी दुनिया मीठा कहती है, लेकिन जो कच्चे चने को भी कहता है कि ये मीठा है इसको ले आओ थोड़ा सेको देखो मीठा हो जाएगा,
तभी कहा मिठास है, मिठास है देखने की जरूरत है, देख नहीं उसमें मिठास दिख नहीं रही है कि उसमें है, अग्नि के संयोग से उसकी मिठास प्रकट हो जाएगी। ऐसे जीव का वितराग का स्वभाव है, अभी कहाँ दिख रहा है, तुम पुरुषार्थ करो प्रकट हो जाएगा, वो उसका स्वभाव है, उसमें वर्णन कर रह सकता है, ज्ञान उसका स्वभाव है। क्या जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब कहेंगे, अभी कहेंगे, अभी कहेंगे तो वो प्रकट होगा, अभी नहीं कहेंगे तो प्रकट कैसे होगा। परतंत्रता में रागादि भाव होने पर जिसने ये अनुभव किया कि ये राग भाव मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, तो वही जीव राग से मुक्त हुआ है। और जिसने अपने को रागादि रूपी माना है, राग को अपना स्वभाव माना है, वो कभी राग से तीन काल में भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए इसकी इतनी जरूरत है बस, इतनी अपना अपराध मानने की, बाकी अपराध मानने के बाद में ये मेरा स्वभाव है ये मानने की आवश्यकता नहीं। क्या इस नई की उपयोगिता कहां तक, जहां तक कि ये विभाव को समझ जाए। अब विभाव को समझने के बाद में स्वभाव से उसे ये अपन नास्ती कर देंगे कि आत्मा के स्वभाव में नहीं। अब इसके बाद में अगला नया, अगला नया का नाम क्या है, अभी कौन सा हुआ, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। इसने क्या किया, आत्मा की चीजों को आत्मा का कहा, अन्य की चीजों को नहीं, ये आत्मा की सीमा में प्रवेश करता है, इसके आत्मा की सीमा के बाहर नहीं, क्योंकि सद्भुत है ना, जो आत्मा में है उसी को आत्मा का कहता है। विभाव को कहा तो उपचरित कह दिया, और जो विभाव नहीं है स्वभाव को जो आत्मा का कहे उसका नाम क्या है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। क्या है आत्मा का स्वभाव, ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव, जो आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव को आत्मा का कहे वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। अब इसमें लोगों को लगता है ठीक है सर, सद्भुत तो है क्योंकि आत्मा में है, लेकिन ये व्यवहार क्यों है, ये तो निश्चय होना चाहिए। ये प्रश्न है ना, इसका उत्तर बनने दिया ना कि व्यवहार क्यों है, ये व्यवहार इसलिए क्योंकि इसने भेद डाला है। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चरित्र, आत्मा में सुख है, आत्मा में वीर्य, ये भेद कथन है क्या, भेद है ये, भेद कथन है। वस्तु तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से मैं, वस्तु ज्ञान मैं, दर्शन मैं, सुख मैं, वस्तु तो अनंत गुणों का एक अभेद पिंड है, वस्तु में कोई ज्ञान दर्शन अलग अलग तो नहीं पड़े हुए। क्या वस्तु मतलब तो, वस्तु तो अनंत गुणों का पिंड है, मतलब अनंत गुण मैं है, अनंत गुणों का समूह ही वस्तु है, कोई ऐसा नहीं कि पहले वस्तु अलग थी उसमें गुण ये डाल दिए, ज्ञान डाल दिया, दर्शन डाल दिया, सुख डाल दिया, एक वीर का इंजेक्शन डाल दिया, तो नहीं, बल्कि इन सब गुणों के समुदाय को वस्तु कहते हैं। तो वस्तु तो अनंत गुणात्मक है, लेकिन फिर भी हमने जो उसमें भेद कर दिए कि उसमें ये ये ये, तो कहते हैं व्यवहार हो गया, भेद और व्यवहार, भेद डाला और व्यवहार, अभेद है सुनिश्चय, भेद है सुव्यवहार। वस्तु के पास जाके देखो तो वस्तु कहती है मेरे में कोई भेद नहीं है, मैं तो अभेद एक पिंड हूँ, तो फिर भेद डाले क्यों, जब वस्तु अभेद है तो भेद क्यों डाला, ऐसे व्यवहार की जरूरत ही क्या है जो भेद करना सिखा। क्यों जरूरत है, व्यवस्थाओं के लिए भेद की जरूरत होती है लौकिक में, ऐसे यहां भी जरूरत है। देखो आत्मा को समझने के लिए भेद की जरूरत है, यदि ये कहें कि आत्मा तो अभेद एक है, एक है, एक है, अनंत गुणों का पिंड है, अभेद है, एक है, तो समझ में आएगा आपको, आप मेरे से पूछो कि बताओ सर आत्मा का स्वरूप बताओ, तो मैं बिना भेद डाले यदि कथन करूं तो कोई भी आत्मा का स्वरूप समझ नहीं सकता। स्वरूप को समझाने के लिए भेद डालना जरूरी है, जैसे नींबू है, बड़ा नींबू लिया, नींबू लिया, वहां नींबू होता कैसा है, अब बताओ नींबू को अपन कहें, वो तो बड़े अनंत गुणों का एक पिंड है, अभेद, अखंड, शाश्वत, हो गया तुम्हारा शाश्वत। बच्चे को नींबू क्या हो गया, अभेद अखंड, तो घूम जाएगा वहां, भेद क्या है, अखंड क्या है, तो समझाना पड़ेगा कि जो पीला हो, गोल हो, छोटा हो, खट्टा हो, वो नींबू है, तुमने भेद डाल दिया उसमें,
ऐसे आत्मा समझाना है तो आत्मा को हम ये कहेंगे अभेद अखंड, तो आत्मा समझ में नहीं आए, इसलिए समझाने के लिए भेद करने की जरूरत है कि आत्मा वो वस्तु है जिसमें ज्ञान पाया जाए, जिसमें दर्शन पाया जाए, जिसमें सुख पाया जाए, जिसमें वीर पाया जाए, जिसमें ये गुण पाया जाए, वो आत्मा है। और ये बिना गुणों को समझाए, मतलब बिना गुण भेद किए आत्मा को समझाया नहीं जा सकता। क्या ऐसा ही नहीं कि गुण भेद करेंगे, गुणों की महिमा भी बताएंगे, उन गुणों की पर्याय भी बताएंगे, पर्याय की महिमा बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप बताए, मतलब विस्तार से बताए बिना, गुण पर्याय का स्वरूप बताए बिना आत्मा का स्वरूप समझ में आ नहीं सकता। और जब तक स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक उसकी महिमा नहीं आएगी। महिमा चित्त में तभी आती है जब स्वरूप समझ में आता है, नहीं तो आँख फाड़ के कट्टे जाते हैं। पंडित जी बहुत बोलो, क्यों बोलो, एक भी बात समझ में नहीं आती है, बड़े हैं। ये सेठ जी बहुत बड़े हैं, क्यों? इनका एक पैसा अपने काम नहीं आता, तो अपने काम में क्या हो, काम का कौन, क्यों, कौन सेठ जी काम के, जिनका कुछ अपने काम आए, तो इनका ज्ञान इनके काम का, हमारे काम का, हमारे कुछ काम नहीं आया, हमारा हित नहीं करे, तो हमारे लिए क्या उपकारी है, कोई उपकारी नहीं, समझ में ना। ऐसे हम कहेंगे आत्मा अभेद अखंड है, वो बहुत 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 है, लेकिन तेरे समझ में आया कुछ, समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए तो बहुत बड़े, इतने तो बड़े कहेंगे। तो इसलिए आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए उसको गुण भेद करके पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा। गुण भेद करेंगे, पर्याय भेद करेंगे, तो उसकी महिमा आएगी चित्त में। क्या भैया तू हाँ, तू इन चक्करों में फंसा हुआ है, ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद है, जरा तू अपने विभव को देख, तेरा विभव कितना अलौकिक है, तेरी आत्मा में कितने गुण है, अनंत। अब एक गुण की बात करते हैं अपन, कौन से, ज्ञान गुण की। अब वो ज्ञान गुण की भी, ज्ञान गुण की तो अनंत पर्याय है, कितनी पर्याय होती है, अवस्था अनंत है ज्ञान की। अपन एक ही अवस्था की बात करते हैं, केवल ज्ञान की, एक समय की अवस्था की बात करें, तो उसका विभव कितना अद्भुत है कि उसमें तीन लोक तीन काल समाहित हो गए, तेरे एक समय की पर्याय में सारे विश्व का विभव समा गया। जो विभव है वो गाय ज्ञान की, तो विभव है दुनिया में जो कुछ भी आनंद भोग रहे हो, काय का भोग रहे, ज्ञान का, सुख का, तो भगवान अनंत ज्ञानी है, अनंत सुखी है, तो तेरी आत्मा भी ऐसी अनंत ज्ञान और अनंत सुख स्वभाव को लिए हुए, तो समझ जरा तेरी आत्मा की एक समय की ताकत कितनी। और ऐसी एक समय की केवल ज्ञान पर्याय नहीं, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, ऐसे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय इस ज्ञान गुण में से निकलती रहे, ऐसा ये महान ज्ञान गुण है। और ऐसे ज्ञान ही नहीं, तेरे ऐसे तेरे में सुख है, वीर है, अस्तित्व वस्तु, ऐसे अनंत गुण है। क्या श्रद्धा, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, सुख, ऐसे अनंत गुण का धनी तू है। कहाँ ये दाल रोटी भी मगन होके इसी में अपना बस सब कुछ समझ रहा है, तेरे को अपनी महिमा नहीं आ रही समझ में, तो क्या है, जरा एक बार इसका विचार कर, तब तेरी इन सबसे रुचि हटेगी। और जब तक तू अपने को समझेगा नहीं, तब तक इसकी रुचि हटने वाली नहीं है, वापिस से जाएगा वहीं के वहीं। देखो आत्मा को जब तक हम अच्छे विस्तार से समझेंगे नहीं ना, तब तक अपने आत्मा की रुचि प्रकट होने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो आप, दोनों दिमाग में ही जाएगा, इसलिए इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। और उस महिमा को गाने के लिए हमें उसको भेद कर करके पूरी तरह से समझना पड़ेगा। लौकिक में भी अपने को किसी को समझाना हो कि बहुत बड़े सेठ जी है, बहुत बड़े सेठ जी है, तो कैसे समझाएंगे, बहुत बड़ी पार्टी है। अरे बड़ी बड़ी तो ठीक है, कितनी बड़ी क्या है, क्या हिसाब, ये जो बिल गेट्स ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, कितना बड़ा है, हमारे यहाँ पे भी खंडवा में भी दो चार सेट है, ऐसे एक सेट वो भी होगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ वो उठा तू है, मालूम है तुम्हारे को क्या था, किसी को अपन करोड़पति कहे, अरबपति कहे, ठीक है करोड़पति तो आजकल बहुत हो गए, नहीं, उसकी एक एक फैक्ट्री की, एक एक घंटे की आमदनी एक एक करोड़ की थी। अच्छा, तो ये समझ में आता ही नहीं आता,
किसी को अपने को धन की भी किसी की महिमा बतानी हो तो अपने को बहुत भेद डाल डाल के बताना पड़ेगा कि साहब उसके इतने डिवीज़न हैं, एक एक डिवीज़न की बात करें तो एक डिवीज़न के एक घंटे की आमदनी उसकी करोड़ रुपए है, तो उसको करोड़पति क्या कहें, उसको तो हम क्या कहें, हमें समझ में नहीं आता। किसी महिला को कहो अपनी सेठानी जी, सेठानी हाँ बहुत बड़ी सेठानी, कैसे सेठानी है, तो महिलाओं को उसी हिसाब से समझाना पड़ता है, ये जो साड़ी पहले दिन एक दिन पहन के आती ना, कभी दूसरी वो साड़ी कभी दूसरी बार पहनती ही नहीं है, अच्छा तो सेठानी है, जो गहने इन्होंने एक बार पहने वो गहने कभी दूसरी बार आप देखोगे ही नहीं, तो सबको समझ में आया हाँ अब तो समझ में आ गया बहुत बड़ी सेठानी है, और ऐसे क्यों सेठानी है तो क्या समझ में आया, इसका मतलब ये करने मत लग जाना तुम लोग, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ केवल, मेरे को बहुत डर लगता है, सेठानी बनने का सबको शौक है, कल से 10 साड़ी आ जाए 10 दिनों के लिए क्या, तो ये तो केवल समझाने के लिए अपन भेद प्रवेद करके समझाते हैं, क्योंकि उससे अपने को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, किसी की शादी करना होता है अपन कहते हैं अरे बहुत बड़ी पार्टी, तो अपन पूछते हैं बड़ी बड़ी ठीक है, क्या करता है लड़का, महीने में कितना कमाता है, और ये क्या है और वो क्या है, तुम पूछते कि नहीं पूछते, केवल इतने से संतुष्ट हो जाते हैं कि करोड़पति है, नहीं काय का, हो सकता है उसके किसी और के पास हो और तुमने कह दिया करोड़पति, बाद में पता चला कि तो कुछ नहीं था, और पूरा उसको भेद कर करके कि इनके घर में कितने भाई है, 10 भाई है और तुम कह रहे हो करोड़पति है, तो भाई के एक के पास तो 10 नागे हुए, करोड़ गाय का हो गया, उसकी खुद की क्या है, तो ऐसे आत्मा है, तो आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, तो ऐसे के काम ही चलेगा, उसके गुणों के नाम बताने पड़ेंगे कि ये गुण है ये गुण है ये गुण है, पर इतना ही नहीं उन गुणों की क्या क्या अवस्थाएं होती है, वो कितनी अद्भुत अद्भुत अवस्थाएं होती है वो बतानी होगी, कि देखो ये जो आत्मा है ना, ये एक ये जो केवल ज्ञान पर्याय इसकी गई, सो गई, जो पर्याय एक बार चली जाती है वो पर्याय दूसरी बार लौट के नहीं आती है, और हर समय नई नई पर्याय है, और हर समय नई नई पर्याय अद्भुत है, हर समय केवल ज्ञान की पर्याय है, हम इसके माल की क्या तारीफ करें, इसके एक समय की पर्याय इतनी अद्भुत है, तो ऐसी जब एक एक पर्याय अद्भुत है तो ऐसे अनंत पर्यायों का जो स्वामी है ज्ञान गुण कितना अद्भुत होगा, जिसके था ना कि एक कपड़ा जो एक बार पहना वो दूसरी बार नहीं पहना, एक पर्याय जो एक बार भोगी वो दूसरी बार नहीं भोगी, ऐसा है तब आदमी को महिमा आती है, महिमा नहीं आए नहीं तो क्या, लोक में किसी भी चीज की महिमा बताने के लिए उसका पूरा विश्लेषण करना अनिवार्य है, जैसे आत्मा का भी पूरा विश्लेषण करना अनिवार्य है, इसलिए इस नई की आवश्यकता है, यह आत्मा में गुणों का कथन करता है भेद डाल के, और ऐसे गुणों की भी पर्यायों का भी भेद डाल के कथन करता है। अब देखो मति ज्ञान है आत्मा में, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनोप्रय ज्ञान के रूप में, सब कौन से नए से, किसी नए से अभेद नए से, तो आत्मा ज्ञान में है, लेकिन ज्ञान ज्ञान के तरह से समझ में नहीं आए कि भाई हमारा ज्ञान है वो मति शुद्ध ज्ञान है, क्या भगवान का केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान की ऐसी अलौकिक महिमा है, यद्यपि वो भी ज्ञान है लेकिन वो केवल ज्ञान ऐसा अद्भुत अलौकिक है, और ऐसे ही मेरा भी स्वभाव है, तो आत्मा को उस आत्मा की महिमा आती है, अपने स्वभाव की महिमा आती है, इसलिए स्वभाव की महिमा लाने के लिए नए आवश्यक है। अब कोई के जब इतना आवश्यक है इतना काम का है तो इसको तो निश्चय में डालना चाहिए, ये व्यवहार में नहीं चलता कि भले ही उस आत्मा की महिमा चित्त में आई है, भले ही उसने आत्मा को समझाया है, लेकिन किया तो भेद ही है ना, और जब तक भेद दृष्टि रहेगी तब तक अभेद दृष्टि नहीं होगी, मैंने ये समझने के लिए नए अच्छा है, लेकिन ये नए भी अनुभव करने के लिए कार्यकारी नहीं है, कैसे नहीं है, देखो अपन ठंडई बनाते हैं, ठंडई तो बनी होगी नहीं, अभी बनती होगी, तो ठंडई बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, सब सामग्री इकट्ठी करते हैं, दूध पानी इलायची केसर बादाम सब लाते हैं, नहीं लाते हैं, और सब बराबर दिमाग भी लगाते हैं कितनी इलायची डालना है, कितनी केसर, कितनी बादाम, ठीक है, सब करते हैं बनाने के लिए टाइम पर, सब करते हैं, सब विचार करते हैं कितनी क्या क्या करना, लेकिन जब अपन पीते हैं तो अपने विचार करते हैं ये कितनी इसमें शक्कर डली, कितना केसर डली, आजकल केसर का क्या भाव चल रहा है,
यदि ये विकल्प आ जाए उस समय तो आप ठंडई का मजा नहीं ले सकते। ठंडई का मजा लेने के लिए आपको बिल्कुल सब चीज भूल के कि इसमें क्या क्या डला है और कितने की क्या है, ये सब भूल के एक ठंडई का अभेद स्वाद लेना होगा, तभी ठंडई का मजा आएगा। जब ठंडई जैसी चीज के लिए भी सारे गुण भेद को गुण करना पड़ता है, सारे भेदों को भूल कर उस एक अभेद का स्वाद लेना पड़ता है, तो फिर आत्मा जैसी अद्भुत वस्तु का स्वाद लेने के लिए गुणों को गुण भेद को गुण क्यों नहीं करना पड़ेगा? करनी पड़ेगा। गुण याद आते रहेंगे, भेद याद आता रहे, गुणों का भेद याद आता रहेगा, गुणों से महिमा आ गई, ये है। लेकिन ये है तो ये भी विकल्प के कारण, क्योंकि जब तक ये है और मतलब ये होने के बाद में उन गुणों का भेद का भी विकल्प उत्पन्न होगा। अच्छा ज्ञान है, दर्शन है, तो मैं ज्ञान की आराधना करूँगी दर्शन की, दर्शन की करूँगी सुख की करूँगी वीर की। जहाँ एक होता है वहाँ विकल्प नहीं होते हैं, जहाँ अनेक होते हैं वहाँ विकल्प हो जाते हैं। अनेकता का ज्ञान तो महिमा के लिए कराया था, लेकिन अब अनेकता के विकल्प में उलझ गया। क्या जैसे जिनके घर में एक ही बेटा है तो कोई विकल्प है? जो कुछ है सब इसलिए मुझे दो है, तीन है, चार, मतलब तो विकल्प तो वहीं खड़े होते हैं ना, इसको देना, इसको ये देना, उसको देना, इसको क्या देना। भेद जो है वो विकल्पों का कारण है और अभेद निर्विकल्पता का कारण है, इसलिए इसको व्यवहार में डाला है, क्योंकि ये भी निर्विकल्प होने का साधन नहीं है, ये भी विकल्पों की उत्पत्ति के ही जनक है। इससे विकल्प भी उत्पन्न होंगे, लेकिन विकल्प कार्यकारी है, ये विकल्प भी निर्विकल्प होने का साधन है, इसलिए विकल्प खड़े किए जाते हैं। लेकिन वो विकल्प विकल्प के लिए नहीं है, वो निर्विकल्पता के लिए है, इसलिए इसको व्यवहार के कौन करा दिया जाता है। क्या लोक में देखो आप कोई भी चीज का आपको मजा लेना, ठंडी क्या, मैं तो कहता हूँ हलवे जैसी चीज भी खाना है ना, तो आपको सारे विकल्प खत्म करने पड़ेंगे। कोई कंजूस आदमी हो उसको उसकी पत्नी के बिगड़ को सबको बुलाना है, सबको बुला लेंगे एक बार, अब वो देखे ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये इसे तो निकाल ही दिया दीवाला, और जो मेहमान आए उसको बिठा दें, तुम भी हमारे साथ भोजन करो, जबरदस्ती हाथ बिठा के हाथ पकड़ के बिठा दे। अब क्या है, सब लोग हलवे का मजा लूट रहे हैं, और जैसे ही उसके मुंह में हलवा आया और लगा कि इतना घी, एक अकेले उसको ही मजा नहीं आ गया, बाकी सबको मजा आ गया, क्यों आने नहीं दिया उसको मजा, विकल्प चल रहे हैं, ये है इसमें इलायची भी इतनी डाल दी इसने भाई ने, केसर डाल दी, इसको केसर का भाव कुछ पता नहीं है, ये तो क्या करेगी ये, तो वो नहीं हलवा का मजा भोग सकता। हलवे का मजा भोगने के लिए जो जिस आदमी ने सब चीजें भूल दी है, भूल चुका है, क्या सारे विकल्पों को भेद को जिसने गौण कर दिया है, और गौण करके जो उसका अभेद का स्वाद लेगा, वही वास्तव में हलवे का मजा लूट सकेगा। ऐसे आत्मा के गुण भेद को भी और पर्याय भेद को भी गौण करके जो अभेद का स्वाद लेगा, कोई निर्विकल्प आत्मा का अनुभव ले सकेगा और उसी को सम्मुख की प्राप्ति होगी। इसलिए आनंद लेने के लिए इसको गुण कराया, इसलिए इसको व्यवहार कहा, लेकिन व्यवहार कहा लेकिन उस क्रम से, किस क्रम से, वो उस क्रम से चलेगा तो व्यवहार है। मैंने अभेद की अपेक्षा उसको व्यवहार कहा है, क्या अनुभव की अपेक्षा ये गुण भेद भी व्यवहार है। एक अनुभव नहीं करे तो उसके लिए कार्यकारी, मतलब प्राथमिक अवस्था में समझने के लिए वही चीज कार्यकारी है, और अनुभव के लिए उसी चीज को अपन क्या कर देते हैं, गुण कर देते हैं। देखो आखिरी उदाहरण देता हूँ, अपने को हीरा खरीदना हो डायमंड, हार खरीदना हो हार, तो हार खरीदने के लिए सब विकल्प करते हैं, 10 दुकान पे जाते हैं, देखते हैं डिजाइन कौन सी है, क्या भाव लगा रहा है, सब है। और जब अपन ने खरीद लिया, अब खरीदने के बाद क्या करना, अब खरीदने के बाद में यदि तुम्हारे विकल्प उत्पन्न हो गए, ये डिजाइन सही नहीं है, भाव ज्यादा दे दिए, तो तुम हार का मजा नहीं लूट सकोगे। हार का मजा लूटने के लिए इन सारे विकल्पों को गौण कर दो और बस हार का मजा ले हो, तो ये हार का मजा हो सकता है। तो जब बोले मजा ही लेना है तो मैं खरीद ही लूँ ना, काहे के लिए विकल्प करूँ, किसी भी दुकान में जाऊँ पहन लूँ, तो नहीं, खरीदने के पहले विकल्प भी जरूरी है और भोगने के लिए निर्विकल्प होना भी जरूरी है। ऐसी है पद्धति, जिन जिन व्यवहार में उनको अपन खड़ा करते हैं उन्हीं को आगे की अपेक्षा उनको क्या कर देते हैं, गौण करते हैं। पहले खड़ा करना जरूरी, खड़ा नहीं करेंगे तो गौण किसको करेंगे, क्या ये पद्धति है पूरी सी। और ये पद्धति नहीं अपना है और आड़ा टेढ़ा कहीं भी चल जाए,
इनकी जरूरत क्या है? जरूरत नहीं होती तो यहाँ क्यों स्थान दिया होता? क्या जिनागम में हर चीज की उपयोगिता है और उसकी उपयोगिता जहां तक है वहीं तक है, उसके आगे उसकी उपयोगिता नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई हमने जो भगवान की स्तुति की है तो इसका प्रयोजन है। क्यों प्रयोजन है? क्योंकि अज्ञानी जीव तो देह को ही आत्मा मानते हैं, इसलिए हमने भी उनकी स्तुति देह के आधार से की है। तो तुम्हें महिमा का ही क्या थी? भगवान की महिमा आती है, तुम तो भगवान के पास भी आते हो। कोई पूछो क्यों मंदिर के दर्शन करा? और कराए कैसा लगा मंदिर? क्या बढ़िया, क्या छत्र थे, सोने के चमाचम, सोने का छत्र, सोने का भामंडल, सोने का सिंहासन, दृष्टि तो सारी इसकी उस पर ही है। तो क्या करे, भगवान की महिमा भी अष्ट प्रात्यारे से बताना पड़ी तुमको। भगवान की महिमा तो उनकी वीतरागता सर्वज्ञता से, लेकिन जगत की दृष्टि सब बहिरंग है। बहिरंग दृष्टि वाले जगत को भगवान की भी महिमा बहिरंग चीजों से बतानी पड़ी। लेकिन भगवान की महिमा तो असली उनकी वीतरागता से। ऐसे ही तुम्हें शरीर आत्मा में एकत्व की बुद्धि है तो हमें उनके शरीर की महिमा बतानी पड़ी है। उनका शरीर इतना सुंदर है, वस्तुतः शरीर है वो आत्मा नहीं है, लेकिन अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में उनकी महिमा बताने के लिए पहले शरीर बताया। तो ये शरीर से ही समझ जाए तुमसे आए तो सही, तो आएगा जब समझेगा तो समझेगा कि ये शरीर जो है वो वास्तव में अपना है ही नहीं। शरीर की महिमा से आत्मा की महिमा नहीं होती, आत्मा की महिमा तो आत्मा की वीतरागता और सर्वज्ञता से होती है। इसलिए हमने ये स्तुति व्यवहार नहीं से इसलिए किए अज्ञानी जनों को समझाने के लिए। वास्तव में उनकी स्तुति तो उनके गुणों से है। और भी और आगे स्तुति क्या है कि वास्तविक स्तुति तो उनके गुणों से भी क्या है। वास्तव में तो जो उन जैसा बनने का पुरुषार्थ करे, माने जो स्वयं इंद्रियों को जीते, मोह राग द्वेष को जीते और जीत के उनके समान बने, वही वास्तव में उनकी सच्ची स्तुति करता है। बाकी तो सब व्यवहार ही व्यवहार। तो हम सब जिनेन्द्र भगवान जैसा बने तो ही वास्तव में जिनेन्द्र भगवान की सच्ची स्तुति होगी। तो हम उनके मार्ग का अनुसरण करके और उन जैसा बनने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना से